आप मेरे हाथ में डिप्लोमा देख रहे हैं, ये डिप्लोमा रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है यूएई एम्बेसी के साथ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप हमसे वो तस्दीक करवाना चाहते हैं एचईसी से, नेवटिक से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, या कोई भी एम्बेसी जिसे तस्दीक करवाना चाहते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट, हम बिल्कुल एतमाद के साथ आपके डिप्लोमा को रिसीव करते हैं और पूरे एतमाद तरीके से उसको अप्रूव करवा के आप तक पहुंचाते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नहीं किया और वहीं पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है और सेम रहते हैं वही, हम बदलते नहीं हैं, आप हमारी लोकेशन पे भी आ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के किसी भी हिस्से में शो होगा, आप वहाँ पर जब भी वो शो होगा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीट देखें, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। मैं जो डिप्लोमा दिखा रहा हूँ वो यूएई एम्बेसी से अप्रूव्ड है और ये जेन्युइन तरीके के साथ अप्रूव करवाया हुआ है। वो जो जिस बंदे ने डिप्लोमा बनवाया है और उसको हमने अप्रूव करवा के दिया, घर बैठा हुआ वो बंदा, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर है तो हमने उसको अप्रूव करवा के दिया, तो टेंशन लेने की बात नहीं, एतमाद के साथ काम करते। अगर आप भी डिप्लोमा बनवाना चाहते हैं या अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर डिप्लोमा बना के देते हैं और उसको किसी भी एजेंसी से, किसी भी एम्बेसी से अप्रूव भी करवा के देते हैं। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इस डिप्लोमे को डिटेल से देखते हैं। वैसे तो ये हमारा जो है ना, ये कौंसल की तरफ से आया, कौंसल ऑफ वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन पंजाब से। ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, ये हमारा चैनल नाम मिलेगा टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल, ठीक है। हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 0345 वाला, ये आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये डिप्लोमा है, इसको इसी तरह पैकिंग के साथ आपके पास आएगा, बिल्कुल महफूज तरीके के साथ हम भेजते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ये देखिए डिप्लोमा है और ये अप्रूव करवाते रहे हैं। ये देखें बकायदा उसके फ्रंट पेज के ऊपर वो खाली जगह देख के ये एक नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर हम यूएई एम्बेसी के नीचे, ये जो पिंक कलर की स्टैंप है ये आप दूर से देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ये देखें पिंक कलर की स्टैंप है, यूएई एम्बेसी से ये अप्रूव होके आया है, ठीक है ना। यानी कि उधर से पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं, यूएई एम्बेसी से उधर से अप्रूव होके आया है, ये देखें। और इसके ऊपर बकायदा स्टैंप लगी हुई, ये वाला जो है कोड ये इसके बैक के भी ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम यहाँ से ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी हमने मंजूर करवाए हैं, सऊदी कौंसलेट से मंजूर करवाए हैं, ये आप देख चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की स्टैंप चेक कर सकते हैं, ये हमने अप्रूव करवाया 8 अक्टूबर 2024 को, और इसको हम तक पहुँचते और आगे प्रोसेस करते करवाते ये हम तक पहुँच गया है, ठीक हो गया। और ये NAVTTC तस्दीक शुदा है, बाकी ये भी चेकिंग के हैं, ये हमारे कौंसिल के हैं, ये जेन्युइन है, ये तस्दीक, ये भी एक स्टैंप लगी हुई है, और यहाँ से भी सऊदी कौंसलेट पाकिस्तान, जो ये जो सऊदी कौंसलेट होती है ना उधर से अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक हो गया। ये सब कुछ अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो यकीनन नंबर शो हो रहा होगा, उस पर रब्ता करें और हम आपको आपका डिप्लोमा अप्रूव करवा के देंगे जेन्युइन तरीके के साथ। तो यकीनन ये डिप्लोमा जी है, आप अल्लाह भला करें, दिलावर का नाम दिलावर है, ये 1 ईयर का डिप्लोमा है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है 1 ईयर का। और इसके अलावा क्यूआर कोड के ज़रिए भी स्कैन कर सकते हैं इस डिप्लोमे को, ये क्यूआर, ये डिप्लोमे का क्यूआर कोड है, ठीक हो गया। उसको वेबसाइट से भी ऑनलाइन रिकॉर्ड भी शो करवा सकते हैं। इसकी जो गोल्डन स्टैंप है आप चेक कर सकते हैं, ये जो एनजीओ है उसके साथ रजिस्टर्ड है, चेयरमैन के साइन है। ये जो नीचे अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊँ तो ये है रजिस्टर्ड, ये जो लाइनें लगी हुई है 4 लाइनें छोटी छोटी, इसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। तो और भी बहुत सारे अदारे हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर आप में से कोई भी दोस्त हमसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो को देखा आपने, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब्स करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ज़रूर लेके जाएँ और आपके आपके एक्सपीरियंस को एक सर्टिफिकेट की शक्ल में दीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बकायदा रिपोर्ट बनती है, उसका सारा बायोडाटा लेके लिया जाता है, उसके बारे में पूछताछ की जाती है, तो एक्सपीरियंस के बगैर डिप्लोमा नहीं बनेगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।